गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज आपके साथ आपकी इनकम टैक्स यानी पार्ट थर्ड में जो इनकम टैक्स है उसके इनकम का लास्ट हीट जो अदर सोर्सेस के नाम से हम लोग जानते हैं बच्चा, आज उसकी रिवीजन की बात हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हमारा फर्स्ट फोर इनकम था जो स्पेसिफिक कैटेगरी के इनकम था, वो इनकम था फर्स्ट क्या था भाई, इनकम फ्रॉम सैलरीज। बच्चा अगर आप एम्प्लॉय हो और वहां से जो सैलरी से रिलेटेड जितने भी तरह के कहानी अलाउवेंस परक्विसिटी सब मिला वो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी था। सेकंड हेड ऑफ इनकम हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर हम अपने घर को ले आउट किए हुए हैं तो जो रेंट मिलता है उससे जो इनकम होती है वो भी टैक्सेबल अंडर द स्पेसिफिक हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट था आपका प्रॉफिट आइदर गेन्स फ्रॉम बिजनेस आइदर प्रोफेशन, आइदर प्रोफेशन मतलब अगर आपकी बिजनेस है या आप लॉयर डॉक्टर प्रोफेसर के प्रोफेशंस में हो वहां से जो इनकम हुआ वो इंडिविजुअली टैक्सेबल हुआ अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी यानी प्रॉफिट आइदर गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन आइदर बिजनेस। अगर किसी भी तरह के हम लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी कैपिटल एसेट्स को सेल यानी ट्रांसफर करने में जो भी गेन हुआ वो टैक्सेबल हुआ अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन्स। मतलब पहला चारों हेड का इनकम एक स्पेसिफिक पार्ट का इनकम था, स्पेसिफिक हेड का इनकम था बच्चा, जो हमारा ये जो हमारा क्लियर कट एक पार्टिकुलर इनकम से रिलेटेड। अब और भी तो सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, वो जो अदर अदर छोटे छोटे कैटेगरी के सोर्स से जो इनकम आ रही है वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो है तुम्हारा वो जो टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 56 to 59। अब बच्चा हम लोग को ये ध्यान देना है एग्जैक्टली कि अदर सोर्सेस में किस किस कैटेगरी के इनकम आएंगे, ये समझना आवश्यक। अगर आप कोई भी असेट्स मशीनरी हो कार हो हायर पर दे देते हो वगैरह वगैरह, या आप रेंटेड एरिया में रहते हो और उसमें भी कुछ पार्ट आप सब ले आउट कर दिए उससे जो इनकम हुआ हो, या आप किसी भी कंपनी का चाहे हमारी इंडियन कंपनी हो चाहे हमारी अदर देन इंडियन कंपनी हो वहां से जो हमें डिविडेंड मिलती है वो इनकम है, या आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी डिपॉजिट पर हाँ इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम यहां टैक्सेबल होगा। आइदर आप किसी भी कैटेगरी में सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हो वहां भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहां से भी जो इनकम होगा वो क्या होगा, सारा टैक्सेबल होगा। बट वो टैक्सेबल किस हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में बच्चे। नेक्स्ट की बात करें और सर क्या, और आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं आपसे राय मांगता है बेटा कि आप इनकम कहां से करके आयो, चोरी करके आओ डकैती करके आओ, वो इनकम पे टैक्स लेता है। इट मींस आप जुआ खेलते हो उससे जो इनकम है, लॉटरी से जो इनकम है वो भी इनकम टैक्सेबल होगा किस हेड में, अदर सोर्सेस। इस हेड में
अदर सोर्सेस। लेकिन आपकी बिजनेस ही है किस चीज का, लॉटरी बेचने का, वो आपका बिजनेस है, वो बिजनेस के हेड में टैक्सेबल होगा, वो यहां के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। या आप की बिजनेस है कैसीनो का, तो वो बिजनेस है आपका, आप वहां जुआ खेलने नहीं जा रहे हो, वो बिजनेस है, उससे इनकम होगा, वो बिजनेस में जाएगा। क्लियर है बात को? अब यहां पर अलग अलग सेक्टर की जो इनकम है, अब उसमें हमें ध्यान ये देना है कि हम टैक्सेबल कैसे करेंगे अदर अदर सेक्टर के इनकम को। चूंकि यहां पर एक चर्चा की विषय है, सर क्या सर, जो इंटरेस्ट या किसी भी तरह का जो इनकम हम रिसीव कर रहे हैं वो क्या पूरी की पूरी टैक्सेबल होगा? हम जहां इन्वेस्टमेंट किए वहां से जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है, क्या वो विदाउट टीडीएस कि विथ टीडीएस, आफ्टर टीडीएस? सर टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब वहां पे टैक्स काटने के बाद हमें मिला कि टैक्स काटने के पहले? जैसे जितने भी लॉटरी का पजल से के जो इनकम है वो सारे इनकम क्या होगा, आफ्टर टीडीएस मिलता है, मींस उस पर 30% टैक्स गवर्नमेंट काट कर या जहां से भी इनकम का पार्ट होता है वो 30% डिडक्शन करने के बाद जो वैल्यू बचता है वो आपको मिलती है। जैसे केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, वहां से जो इनकम होती है, आप जो इनकम होता है वो पूरा उसपे 30% क्या होता है, डिडक्शन होता है। तो क्या हम यहाँ जो टैक्सेबल इनकम निकालने की बात कर रहे हैं अंडर द हेड ऑफ किस में बेटा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जो टैक्सेबल करने की बात कर रहे हैं। तो सोच बेटा, वो जो लॉटरी से रिलेटेड जो इनकम हुआ ऑलरेडी उस पर टैक्स काटा गया, हम दोबारा टैक्स देंगे? क्योंकि हम जो 100 रुपया हमारा लॉटरी से इनकम हुआ था हम रिसीव कितना किए हैं, 70। तो क्या यहां हम जोड़ेंगे तो 70 जोड़ेंगे? नहीं, ये इसको कहते हैं बेटा कौन सा अमाउंट, नेट, और यहां पे ऑलवेज हमें लिखना है कौन सा अमाउंट, ग्रॉस, कौन सा अमाउंट, ग्रॉस। तो 100 को ग्रॉस करेंगे, मतलब जो लॉटरी के अमाउंट जितना आप रिसीव किए हो इनटू 100/70। सर 70 क्यों करेंगे, क्योंकि 30 रुपया डिडक्ट हो गया, मिला कितना, 70। तो तुम्हारा कितने के वैल्यू में आएगा, 100 के वैल्यू में आएगा, यानी ग्रॉस के वैल्यू में। इसी तरह की और भी कहानी है बच्चा, यहां तक समझ में आ गया सबको? चलिए, तो हमने अभी एक छोटा सा टर्म देखा था कि नेट और ग्रॉस में क्या डिफरेंसेस। हम सबसे पहले इसमें बात करें, जो हम एसेट्स, कैपिटल एसेट्स लाइक मशीनरी है, प्लांट है, कार है, इस तरह की एसेट्स अगर हम ले आउट करते हो तो वहां से जो इनकम होता है वो 100% टैक्सेबल होगा, ठीक है। सेकंड, मान लो तुम अपने रेंट पे रहते हो और वहां का सम पार्ट तुम सब ले आउट कर दियो, वहां से जो इनकम होगा वो भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। क्लियर? बट याद रखना, ये जो टैक्सेबल होगा अगर इससे रिलेटेड आपके द्वारा कुछ एक्सपेंसेस की गई है, क्या की गई है, एक्सपेंसेस की गई है, तो वो डिडक्टेबल भी होगा। उतना डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा एक्चुअल इनकम होगा। अगर आप लेखक हो, आप बुक लिखते हो, तो आपको क्या मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी, वो रॉयल्टी यहां टैक्सेबल होगा, बट वहां फिर उससे रिलेटेड बुक को लिखने में जो भी खर्च हुआ है वो फिर यहां क्या मिलेगा, डिडक्शन। नेक्स्ट आ जाइए भाई,
आप एक लेक्चरर हो तो लेक्चर फी मिलता होगा, तो लेक्चर फी जो मिला वहां से वो तो सैलरी में चला गया, क्लियर। लेकिन आपको बीच बीच में आप देखते हो कि आपके कॉलेजेस में एग्जाम हो गया तो एज ए एग्जामिनर आपको बुला लिया गया, भाई चेक करो, कॉपी चेक करने के लिए बुला लिया गया, तो वो अलग से पैसा मिलेगा ना। वो जो इनकम हुआ वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस में। कहाँ होगा? अदर सोर्सेस। तो ये जो भी इनकम है डायरेक्टली ये टैक्सेबल होगा, इसमें कोई डिडक्शन की चर्चा यहाँ पे नहीं। बात समझ में आया यहाँ पे? चलिए तो यहां तक तो क्लियर है बच्चा लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। अब इसके बाद की बात करते हैं, सर क्या मिलनी तुमको कहां पे डिस्टर्बेंस होगा? फर्स्ट वो डिस्टर्बेंस है पहला नंबर, हालांकि इसमें भी नहीं है, किसमें? डिविडेंड में। हम डिविडेंड जो रिसीव करते हैं, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, फ्रॉम कॉपरेटिव सोसाइटी, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया यानी अदर कंट्रीज, क्लियर है? अब याद रख लेना, सीधा सीधा कहीं से भी तुम रिसीव करो वो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल प्रीवियस ईयर से, ठीक है? यानी प्रीवियस ईयर में जो भी रिसीव किया वो 100% टैक्सेबल हो जाए, असेसमेंट ईयर 21-22। पहले 20-21 में ये इंडियन कंपनी का 100% एग्जम्प्ट था बेटा, बट अब ये क्या हो गया? टैक्सेबल हो। मतलब अब इसमें कोई टेंशन ही नहीं रखना है कि हम जो डिविडेंड जो रिसीव किए चाहे कहीं का भी हो वो 100% क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरी चर्चा है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हो कहां सर? गवर्नमेंट सेक्टर में। कौन सा सेक्टर में? गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इसमें बेटा जो इन्वेस्टमेंट जो करते हो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो वहां से आप इंटरेस्ट बेटा रिसीव करोगे? यस या नो? यस सर, हम करेंगे। तो वहां पे बेटा गवर्नमेंट सेक्टर में जब रिसीव करने, पहले समझो इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो कैटेगरी का कहा गया। एक बेटा टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और एक इन्वेस्टमेंट है बेटा, नाम है उसका लेस टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्लियर? अब तो इस हद तक में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आप जो है इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कौन सा? टैक्स फ्री में। कौन सा बच्चा? टैक्स फ्री में। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कौन सा? लेस टैक्स फ्री में। ये दो कैटेगरी का बेटा, याद रखना बच्चा लोग। तुम लोग सर क्या, अगर इंटरेस्ट रिसीव करते हो आप गवर्नमेंट सेक्टर के टैक्स फ्री वाले में, तो वो पूरा का पूरा क्या होगा सर? एग्जम्प्ट होगा। क्या होगा सर? एग्जाम्प्ट होगा।
तो पहले तुमको ये समझना होगा बच्चा कि सर मेरे को ये बताइए कि आखिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टैक्स फ्री वाले कैटेगरी में आएंगे क्या? जनरली जितने भी तरह के पोस्ट ऑफिस में आप जो डिपॉजिट करते हो आप उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100% क्या होगा? टैक्स फ्री गवर्नमेंट सेक्टर में आएगा और 100% वो एग्जम्प्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद चर्चा करें। अब हम लोग को पता है कि पोस्ट ऑफिस में बैंक भी आ गया। क्या आ गया? बैंक भी आ गया। और बैंक में जो हमें अकाउंट ओपन कराते हैं बेटा, कौन सा? एक इंडिविजुअल या ज्वाइंट? अगर इंडिविजुअल का है तो मैक्सिमम एग्जम्पशन की लिमिट है 3500, अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो कितना है? 7000। बच्चा लोग फटाफट एक बार आप रीडिंग डाल लो अपने टैक्स फ्री गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सा कैटेगरी में आता है इस पे। चलिए आप लोग अब ये जज कर लिया कि आपके गवर्नमेंट सेक्टर में टैक्स फ्री कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, और इस सारे सेक्टर से में जो आप इन्वेस्टमेंट किए और उससे जो इंटरेस्ट रिसीव किए वो 100% क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा, टैक्सेबल। सर अब अगला बताए, आप गवर्नमेंट सेक्टर के लेस टैक्स फ्री में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो बेटा तो पूरा का पूरा क्या होगा? टैक्सेबल। और एक चीज और याद रखना, नॉट टू बी ग्रॉस अप। हम इसको ग्रॉस अप करने की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब सर नहीं समझे, मतलब ये कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो और वहां से जो इंटरेस्ट मिलती है विदाउट टीडीएस, विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, टीडीएस काटने के पहले का है, तो जो तुम्हें इंटरेस्ट मिला वो ग्रॉस वैल्यू मिला ना कि नेट वैल्यू मिला? ग्रॉस। तो हम तो उस पर अब ग्रॉस दोबारा नहीं करेंगे बेटा। सर ये तो समझा दीजिए कि आखिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो गवर्नमेंट सेक्टर के लेस टैक्स फ्री में, जितने भी तरह के आपके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की गई है किसी स्टेट गवर्नमेंट के हेड में की गई है, गोवा डेवलपमेंट बोर्ड, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज डीडीए, इस तरह के पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस तरह के डिपार्टमेंट में अगर आपका इन्वेस्टमेंट की गई है और वहां से जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को ही हम नाम दे देंगे क्या? गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सा? लेस टैक्स। और यहां से जो भी आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे वो 100% क्या होगा? टैक्सेबल होगा, और वो अमाउंट को ग्रॉस अप नहीं करेंगे। क्लियर यहां तक? अब बच्चा हम आगे बढ़ेंगे, अभी तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे थे हम लोग, अब इन्वेस्टमेंट इन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें। अब नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी दो पार्ट, एक टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट और एक लेस टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट, दो कैटेगरी बच्चा। अब टैक्स फ्री और लेस टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट में सर कहानी क्या है? तो सबसे पहले ये बताइए सर कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बेटा जहां आप इन्वेस्टमेंट किए हो देख लो कि वहां स्टेट या सेंट्रल का नाम नहीं है, तब उसे क्या मानेंगे? नॉन गवर्नमेंट। दूसरी बात सर, नॉन गवर्नमेंट में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि टैक्स फ्री है कि लेस टैक्स फ्री? सिंपल वे में आइडेंटिफाई करने के लिए बताया जा रहा क्या सर? जिस इन्वेस्टमेंट के टर्म पे आपका टैक्स फ्री लगा हो उसको मानो टैक्स फ्री, नहीं हो उसको मानो लेस टैक्स। अगर टैक्स फ्री डिवेंचर लिखा हुआ हो इन्वेस्टमेंट में तो आप उसे टैक्स फ्री मानो, और डायरेक्टली कह रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया 40,000 10% डिवेंचर्स तो वो क्या मानोगे? लेस टैक्स। क्लियर है? अब यहां पे दो तरफ, इन दोनों केस में जो आप इंटरेस्ट जो रिसीव करोगे वो बेटा क्या होगा?
फुल्ली टैक्सेबल, क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल दोनों केस। लेकिन याद रखना पड़ेगा सर, इन फर्स्ट केस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एनी हाउ विल बी क्या सर? ग्रॉस अप। क्या सर? किसी कीमत पे हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस अप करना पड़ेगा सर। दूसरी चर्चा एक और, जब हम ग्रॉस अप करने की बात अगर हम करते हैं बेटा, तब एक बात आपको और याद रखना पड़ेगा सर। क्या याद रखना पड़ेगा सर? बेटा रखना ये पड़ेगा कि यहां पर इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट का पहले था 10%, कितना था 10% रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब इसमें दो कैटेगरी हो गया प्रीवियस ईयर से। अगर तुम इंटरेस्ट, इफ इंटरेस्ट रिसीव ऑन और आफ्टर 1st अप्रैल 2022, 13 मई 2020, अगर इस बीच का इंटरेस्ट अगर रिसीव किए हो तो इस समय का रेट ऑफ इनकम टैक्स बेटा कितना परसेंट था? 10%। मतलब यहां पर हम बेटा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को बेटा हम जो ग्रॉस अप करेंगे वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइड बाय 90 से करेंगे। लेकिन बेटा ऑन और आफ्टर 13 मई 2020 से 31st मार्च 2021 के बीच का रेट ऑफ इनकम टैक्स है बेटा 7.5%। कितना परसेंट? तो बेटा इसका बेटा ग्रॉस अप करने का फार्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय 92.5। आप इसे राइट डाउन कर लेंगे सारे बच्चे बराबर जल्दी से। चलिए जब हम ये पार्ट समझ में आ गया, थोड़ा डेट पर ध्यान देना है आप लोग को, बनाते समय क्वेश्चन में वहां लिखा रहेगा कि इंटरेस्ट जो हम रिसीव कर रहे हैं कब कर रहे हैं, क्योंकि ये कहानी आपके अभी इस अकाउंटिंग असेसमेंट ईयर में ही चालू हुआ है। पहले ये सिंपल था, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना परसेंट, इस पे 10% था। अब आइए बेटा अगर आप नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो ये तो कहानी है, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन क्या इसके अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को भी पूरा का पूरा एनी हाउ विल बी ग्रॉस अप? अब इसमें दो कैटेगरी का है, ध्यान देना बेटा। पहला कैटेगरी क्या है सर? इफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन विथ रेट ऑफ परसेंटेज, देन सच टाइप ऑफ इंटरेस्ट नॉट टू बी ग्रॉस अप। अगर सर, मतलब सर हम नहीं समझे यहां पे बेटा, मतलब ये यहां पर कहने का सेंस ये है क्वेश्चन में बेटा कि मान लो यहां पे क्वेश्चन तुम्हारे पास है कि
10% डिवेंचर बॉन्ड जो भी हो रुपीज 40,000 रुपया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी दिया हुआ है ना, तो यहां पर इंटरेस्ट बेटा कितना रुपया आपने लिया, 4,000 रुपया। तो ये 4,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल है, हम इसे ग्रॉस अप नहीं कर, कब, जब नॉन गवर्नमेंट में लेस टैक्स मिले, क्लियर है। और सेकंड इसमें इफ डायरेक्टली अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवेन देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ग्रॉस अप, विल बी ग्रॉस अप, हम उसको ग्रॉस अप करेंगे। बात समझ में आया? आप जो ध्यान देंगे अपने स्लाइड पर बेटा जी, आपके यहां स्लाइड में ये पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में ग्रॉस अप करने का फॉर्मूला 100/90। सिर्फ याद रखना, तो 13 मई के बीच का अगर इंटरेस्ट रिसीव किए हो तो तुम्हारा जो इनकम टैक्स 10% और 13 मई से कब तक 31 मार्च तक का हो तो 7.5% यानी ग्रॉस अप करेंगे 92.5% से। चलिए बच्चा, अब जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग कैजुअल इनकम के बारे में, किसके बारे में, मतलब लॉटरी वगैरह से, जुआ वगैरह से, जो भी है, हॉर्स रेस से। तो यहां पे हम इस याद रखना क्वेश्चन के लैंग्वेज में अगर अमाउंट रिसीव्ड लिखा रहेगा और अमाउंट ओन लिखा रहेगा, दोनों में डिफरेंस है। अमाउंट रिसीव के केस में तुमको ग्रॉस अप करना होगा और अमाउंट ओन के केस में ग्रॉस अप नहीं करना होगा, वो ऑलरेडी विदाउट टीडीएस होगा, विदाउट टीडीएस होगा तुम्हारा, क्लियर है। अब बात आती है एक चीज और कि कैजुअल इनकम से जो इनकम होगा वो तो टैक्सेबल होगा 100%, लेकिन कैजुअल इनकम से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होगा वो डिडक्टेबल नहीं होगा। आप लॉटरी से जो इनकम हुआ और लॉटरी खरीदने में जो खर्च हुआ वो खर्च डिडक्टेबल नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, आपके पास ग्रॉसिंग का दिया हुआ 100/20 हम 20 से करेंगे बेटा। नेक्स्ट है कहानी फैमिली पेंशन, कौन सा इस चैप्टर का लास्ट कहानी है। अगर आप फैमिली पेंशन आप रिसीव करते हो तो जो अमाउंट रिसीव करते हो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं है, उसमें कुछ तुम्हारा डिडक्शन मिलता है। सर कितना? 33 1/3% या फैमिली पेंशन का 1/3, बात बराबर है। 33 1/3% या डायरेक्टली 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 फिक्स अमाउंट, इन दोनों में से जो वैल्यू कम होगा वो तुम्हारा डायरेक्टली क्या होगा, जितना फैमिली पेंशन रिसीव किए उसमें से डिडक्ट होगा, उसमें से डिडक्ट होगा बेटा, क्लियर है। मान लो तुम फैमिली पेंशन रिसीव किए हो बेटा 1,20,000 रुपया, कितना रुपया, तो 1,20,000 का 1/3 40 और 15 कौन कम, 15, तो 1,20,000 में से 15,000 कम कर डिडक्ट कर दो तो तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू कितना निकला, 1,05,000, क्लियर है बच्चा। अब बाकी ये सारा चीज आपके साथ चर्चा कर चुके हैं बेटा, ये सब टर्मिनोलॉजी जो आपके स्क्रीन पर है, क्लियर है। एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल के बारे में भी हम बता चुके हैं एक बार, ये स्लाइड है आप पढ़ लेंगे बेटा, आपको ये सारा चीज आपसे डिस्कशन कर चुके हैं। लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बेटा जो लॉस होगा उसका हम कैसे सेटअप करेंगे सर, तो अदर सोर्स ऑफ इनकम के अलावा और भी अदर कैटेगरी का जो इनकम है हम उससे भी सेटअप करेंगे। लेकिन ये याद रखना बेटा, जो हॉर्स रेस इस सब से
जो लॉस होता है उसी से रिलेटेड इनकम होगा, तब उससे सेटअप करेंगे, यानी अदर कैटेगरी ऑफ इनकम से सेटअप नहीं करेंगे। बाकी बच्चा इस चैप्टर में आपके पास वैसा कुछ नहीं है, आपका आज अदर सोर्सेस का एक पास्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन टॉपिक था वो आपके साथ डिस्कशन किया गया। आज के लिए इतना ही, सभी को टाटा, बाय बाय बच्चों।